जी हाँ, इस समय हम लोग खड़े हैं बंसिका गार्डन के उस गेट पे जहाँ से श्री श्याम प्रसाद मंडल द्वारा आयोजित संकीर्तन कार्यक्रम में प्रवेश करने के लिए लोगों के लिए द्वार बनाया गया है। जी हाँ, मैं आपको दिखलाऊँ यहाँ पे ये कितने बढ़िया डेकोरेशन की व्यवस्था की गई है। मैं चाहूँगा कैमरा ऊपर पॉइंट करेंगे और आपको दिखलाएंगे झूमर। जी हाँ, एक से एक बेहतरीन झूमर यहाँ लगाए गए हैं, लाइटों की व्यवस्था है। जैसे जैसे आप अंदर जाते चले जाएंगे, जी हाँ, बहुत बेहतरीन तरीके से ये गेट जो है डेकोरेट किया गया है और आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन सजावट यहाँ पे दिख रही है। यहाँ आने वाले भक्तों का, यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का बरबस ही मन जो है भक्तिमय होता जाता है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से भक्ति का सागर उमड़ा पड़ा है और यहाँ भारी संख्या में भक्तजन श्रद्धालुजन उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं, जी हाँ, ये गेट वो बनाया गया है जिस गेट से जो है होकर के सारे भक्तगण, श्रद्धालुगण, श्रोतागण, दर्शकगण जो है यहाँ पहुँच रहे हैं। ये जो है यहाँ प्रसाद ग्रहण करने के लिए, भंडारा के लिए जो है व्यवस्था की गई है। और अभी भी देख सकते हैं रात के लगभग 12 से ऊपर का समय होने जा रहा है और यहाँ भारी संख्या में लोग जो है प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। जी हाँ, तो ये सारी व्यवस्था जो श्री श्याम प्रसाद मंडल के द्वारा की गई है, यह काफ़ी प्रशंसनीय है, सराहनीय है और किसी भी तरह से कहीं किसी व्यवस्था में कोई भी चूक होती हुई नज़र नहीं आ रही है। आप बने रहिए हुंकार 24/7 के साथ, देखते रहिए आगे क्या कुछ हो रहा है, सब कुछ दिखलाएंगे आप। अभी हमारे साथ हैं मोहन सक्सेना जी, जो श्री श्याम प्रसाद मंडल के लीगल एडवाइजर हैं। इनसे बात करेंगे, यहाँ आज जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जयपुर पुलिस थाना ने जो चप्पे चप्पे पे पुलिस लगा रखी है और दिन में शोभा यात्रा के बीच में किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई और इस समय भी अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट हमारा बहुत स्ट्रांग है और शासन और प्रशासन दोनों हमारे साथ है। हमारा जो मैनेजमेंट है, हमारे मैनेजमेंट के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी श्याम भक्तों ने जी जान से स्वागत किया है और सभी ने बड़ा सहयोग दिया है। मैं यही चाहूँगा, और हमारा जितना भी अभी ये जागरण चल रहा है, 8 बजे के बाद जागरण स्टार्ट हुआ है और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि 2000 से ज़्यादा गैदरिंग हो रखी है। लेडीज और जेंट्स जितने भी श्याम भक्त हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हैं। जी हम आपको बतलाना चाहेंगे, यहाँ पुलिस प्रशासन के तरफ से भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। जैसा कि दिन में भी देखा गया, जब शोभा यात्रा निकली थी, ये निशान यात्रा निकली थी, उस समय भी जैतपुर पुलिस थाने के तरफ से पुलिस प्रशासन की बेहतरीन व्यवस्था की गई थी और शायद यही कारण था कि लगभग 5 से 6 किलोमीटर जी हाँ यहाँ श्री श्याम प्रसाद मंडल के मंदिर से निकल करके ये भव्य शोभा यात्रा टंकी रोड होते हुए मीठापुर चौक होते हुए लौकुर चौराहे तक पहुँची और किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न हुई और पूरी भीड़, हजारों लोगों की भीड़ बहुत ही अनुशासित तरीके से इस प्रोग्राम के सफलता तक पहुंची और मंदिर तक पहुंच करके उस सभा का समापन हुआ, उस भव्य जुलूस का समापन हुआ। आज इस समय रात्रिकालीन बेला में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस वाले मौजूद हैं और किसी भी तरह के अप्रिय घटना को रोकने के लिए मुस्तैद हैं, तैनात हैं अपनी ड्यूटी पे और ये विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि यहाँ किसी भी तरह के अप्रिय घटना होने की कोई संभावना नहीं है। जयपुर पुलिस प्रशासन ने, पुलिस थाना ने यहाँ पे चप्पे चप्पे पे जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे हैं, तो आप निश्चिंत होकर के इस कार्यक्रम में भाग लीजिए और रात्रिकालीन बेला में जो भजन संकीर्तन का प्रोग्राम चल रहा है इसका आनंद उठाइए और
श्री श्याम में श्री राधा में हो जाइए। जय श्री राम। बने रहे उनका 24/7 के साथ। माना तुम्हारी नाव किनारे है लगी, माना तुम्हारी नाव किनारे है लगी। ठाकुर करे। अभी हमारे साथ खड़े हैं श्री श्याम प्रसाद मंडल के सम्मानित सदस्य श्याम सिंह यादव जी, इनसे बातचीत करेंगे। ये पूरा प्रोग्राम जो चल रहा है सर, क्या कुछ आपके मन में चल रहा है, अपनी भावनाएं शेयर करिए हमारे साथ। हमारे मन की भावना ये है कि जो भी भक्त यहाँ आ रहा है उसकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और बड़े सच्चे दिल से आता है। उसकी इच्छाओं में कभी भी कोई रुकावट नहीं है और जितने भी घर यहाँ पर आ रहे हैं उनको सबको लाभ है। सच्चाई और सत्य को लेकर चलेगा, उसकी हमेशा जीत होगी। भगवान खाटू श्याम का जो यहाँ पर जागरण हो रहा है, ये हमारा मित्र मंडल जो कर रहा है सौरभ यार से, इसके प्रधान हैं हमारे जगदीश जांगड़ जी और बड़े सहयोग के साथ इसको चलाते हैं। उनका शुरू से ये नियम रहा है कि सबको लास्ट फ्लोर पर बैठा हुआ व्यक्ति या सदस्य उसकी बात को सुनना, सबको साथ लेके चलना। माना तुम्हारी नाव किनारे। यहाँ पे भारी संख्या में भक्तों और श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। यहाँ को बता दें गुजरात से चलकर आए श्री नंद किशोर शर्मा और नंदू भैया जी का यहाँ पे भजन कार्यक्रम चल रहा है। और हमारा कैमरा आप देख सकते हैं, इसको पैन करेंगे, कैमरे को पैन करेंगे और आपको दिखाएंगे। एक बार चारों तरफ आप नजर दौड़ाइए, दूर दूर तक आप जहाँ भी नजर जाएगी यहाँ भारी संख्या में भक्तगण, महिलाएं, बच्चे और एक से एक जो है श्रद्धालुगण यहाँ भारी संख्या में उपस्थित हैं। जी आप देख सकते हैं, एक कैमरे की नज़र से आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ उपस्थित भी। दोनों तरफ एलईडी लगा करके जो है, बाकी जो वैसे भक्त जो सीधे मंच तक आने से वंचित रह गए हैं उनको दिखलाने के लिए एलईडी की व्यवस्था की गई है। और आप देख सकते हैं ये पूरा प्रोग्राम जो है इस समय हमारे कैमरे में कैप्चर हो रहा है। जी हाँ, ये पूरा प्रोग्राम बने रहिए हमारे साथ, देखते रहे हमारा 24/7 और आपको दिखलाएंगे इस संध्याकालीन भजन संकीर्तन का पूरा प्रोग्राम। बड़े ध्यान से एक लाइन सुनना, ये तो सुन पा रहे हैं। अभी भी रात के लगभग 12:00 बजने वाले हैं और भक्तों के आने का तांता टूटने का नाम नहीं ले रहा है। जबकि आपको बता दें कि अंदर पूरी तरह से पंडाल भर चुका है, बैठने की जगह नहीं है, लेकिन भक्तों के आने की कमी नहीं है। अभी भी भारी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण यहाँ पहुँच रहे हैं। आज श्री श्याम प्रसाद मंडल के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अभी भी एक लंबी कतार आप दूर दूर तक देख सकते हैं। एक कैमरे के माध्यम से आपको सब कुछ दिख रहा है कि यहाँ पे कितने भारी भीड़ जमा होती है। किस्मत चाहते हैं कि इस अर्जी को स्वीकार करना है कि अस्वीकार करना है, ध्यान देना। अर्जी प्रभु को पढ़कर सुनाना, अर्जी प्रभु को पढ़कर सुनाना। काम आपका हमने जाना, काम आपका हमने जाना, प्रभु ने अपनी नजरें उठाई। यहाँ श्री श्याम प्रसाद मंडल के रात्रिकालीन संकीर्तन कार्यक्रम में यहाँ अभी जो है कलाकार जो यहाँ श्री कृष्ण लीलाएं दिखलाएंगे। जी हाँ, राधे के रूप में कलाकार, श्री कृष्ण के रूप में कलाकार। जी हाँ, ये पूरा भक्तिमय माहौल बनता हुआ और यहाँ सज धज करके आज इस मंच पर अपनी कला का जलवा बिखेरने के लिए बड़े बड़े कलाकार अब यहाँ कार्यालय की तरफ आ चुके हैं। जी आप देख सकते हैं, और ये सारे कलाकार जो है आज इस मंच पर अपनी कला का जलवा बिखेरेंगे। राधे कृष्ण और गोपियाँ और तरह तरह की लीलाएं आज इस मंच पर देखने को मिलेंगी। जी हाँ, तो बने रहिए हम 24/7 के साथ और देखते रहिए आज कितना भक्तिमय माहौल यहाँ पे होने जा रहा है। जी आपको बता दें इस समय हमारा कैमरा जहाँ फोकस आई है, कार्यालय लिखा हुआ है श्री श्याम प्रसाद मंडल रजिस्टर्ड सौरभ बिहार का कार्यालय। ये कार्यालय जो है अस्थायी तौर पे इसी पंडाल के अंतर्गत बनाया गया है, इस पंडाल के अंदर बनाया गया है जहाँ पे इस समय संकीर्तन का ये कार्यक्रम चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ जो है श्री श्याम प्रसाद मंडल के जो वॉलंटियर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो सब जो है यहाँ बैठे हुए हैं और एक एक घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं अपने हिसाब से। किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो इसके लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं और श्री श्याम प्रसाद मंडल के पदाधिकारी और वॉलंटियर्स जो है
अपनी अपनी ड्यूटी पे हर जगह तैनात है और यह कार्यक्रम बहुत ही सफलतापूर्वक धीरे 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 अपने चरम उत्कर्ष की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। जी हाँ, जय श्री श्याम, बने रहिए उनका 24/7 के साथ। प्रभु की इच्छा पूरी करी, प्रभु की इच्छा पूरी करी, प्रभु की इच्छा पूरी करी, प्रभु की इच्छा पूरी करी। बजरंग बली करे, बजरंग बली किसने किया, बोलो किसने किया, भक्तों का काम बोलो किसने किया, किसने किया बोलो किसने किया, अभी समय हम लोग उस मेन गेट पे खड़े हैं जहाँ से जो है यहाँ भक्त और श्रद्धालुगण यहाँ अंदर रात्रि कालीन संकीर्तन के लिए प्रवेश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी भी भारी भीड़ खड़ी है और भक्त और श्रद्धालुओं का आना अभी भी जारी है। रात के लगभग 12 बजने वाले हैं और अभी भी जो है भक्तों का आना जारी है। अंदर पूरी तरह से पंडाल भरा पड़ा है और फिर भी भक्तों और श्रद्धालुओं के आने का क्रम अभी जारी है। यहाँ भारी भीड़ इकट्ठा होने की संभावना अभी भी बनी हुई है। यहाँ पे भारी संख्या में भक्तों और श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। यहाँ को बता दें गुजरात से चलकर आए श्री नंद किशोर शर्मा और नंदू भैया जी का यहाँ पे भजन कार्यक्रम चल रहा है और हमारा कैमरा आप देख सकते हैं, इसको पैन करेंगे, कैमरे को पैन करेंगे और आपको दिखाएंगे। एक बार चारों तरफ आप नजर दौड़ाइए, दूर दूर तक आप जहाँ भी नजर जाएगी यहाँ भारी संख्या में भक्तगण, महिलाएं, बच्चे और एक से एक जो है श्रद्धालुगण यहाँ भारी संख्या में उपस्थित हैं। जी आप देख सकते हैं, एक कैमरे की नज़र से आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ उपस्थित भी, दोनों तरफ एलईडी लगा करके जो है बाकी जो वैसे भक्त जो सीधे मंच तक आने से वंचित रह गए हैं उनको दिखलाने के लिए एलईडी की व्यवस्था की गई है। और आप देख सकते हैं ये पूरा प्रोग्राम जो है इस समय हमारे कैमरे में कैप्चर हो रहा है। जी हाँ, ये पूरा प्रोग्राम बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हम कार्य 24/7 और आपको दिखलाएंगे इस संध्याकालीन भजन संकीर्तन का पूरा प्रोग्राम जो श्री श्याम प्रसाद मंडल के द्वारा आयोजित किया गया है। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण श्री ठाकुर श्याम बाबा आपके जिंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लाएँ और साथ ही साथ उनका 24/7 की टीम के तरफ से आप सभी को भगवान जन्मोत्सव की ढेर सारी बधाइयाँ।